हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप वाले टॉपिक का सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट पार्टनर्स इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं पार्टनर्स तो हमें पता है कि आते हैं अलग, अलग अलग एरिया से वो एक फैमिली के नहीं होते कहीं और से आते हैं बट उसमें टाइप्स क्या होते हैं क्या क्या उनके पास फीचर्स होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो बाकी के पास नहीं होती सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली वाली जो पार्टनर की एक टाइप दिया हुआ है वो है एक्टिव पार्टनर जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे नाम से ही लग रहा होगा एक्टिव तो मतलब बड़ा एक्टिव रहता है तो एक ऐसा पार्टनर जो पूरे पार्टनरशिप में पूरे ड्यूरिंग द इंटायर बिजनेस बड़ा एक्टिव है कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है ठीक है बिजनेस में पैसे लगाता है मैनेजमेंट में मतलब डिसीजन मेकिंग में भी वो पार्टिसिपेट करता है प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों में शेयर करता है लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड अब लाइबिलिटी सबके अनलिमिटेड इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड ये एक कॉमन फीचर है ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म देन कम्स द सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर विच इज़ स्लीपिंग या फिर डोमिट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर नाम से लग रहा हुआ सोता रहता है मतलब उतना एक्टिव नहीं है इनएक्टिव पार्टनर स्लीपिंग है डोमिनट है ये क्या करता है ये बस कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ठीक है पार्टिसिपेट नहीं करता डिसीजन मेकिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता नुकसान या प्रॉफिट में शेयर है लाइब्रिटीज अनलिमिटेड बस पैसा लगा देगा और नुकसान या प्रॉफिट होगा उसमें शेयर कर लेगा मैनेजमेंट में से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है उस सबसे से कोई मतलब नहीं है इसे कहा गया है स्लीपिंग या फिर टॉमेंट पार्टनर देन कम सीक्रेट पार्टनर नाम से है सीक्रेट छिपा हुआ एक कॉन्फिडेंशियल एक ऐसा पार्टनर जो कैपिटल तो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ठीक है पैसे तो लगा रहा है बट पार्टिसिपेशन भी बहुत ही सीक्रेटली एक रोल निभा रहा है पार्टिसिपेशन करता है बट सीक्रेटली छुप के शेयर इन प्रॉफिट्स ठीक है अगर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो शेयर भी करेगा प्रॉफिट एंड लॉसेज में लाइबिलिटीज़ सेम अनलिमिटेड पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ेंगी नॉमिनल पार्टनर नॉमिनल मतलब बस नाम का जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंग तो जो नॉर्मल पार्टनर होता है कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं करता शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं करता लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड तो ये करता गया है अभी जो नॉमिनल पार्टनर है ये सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप को कि ओके आई एम ऑल्सो अ पार्टनर या फिर ये अपनी गुडविल दे देगा ठीक है बाकी ये पैसे नहीं लगाता ये मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं करता शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं है क्योंकि जब पैसे ही नहीं लगा रहा है, तो शेयर क्या करेगा देन कम्स लाइबिलिटी विच इज़ अनलिमिटेड इन ऑल द केसेज देन कम्स पार्टनर बाय इस्टॉपल एंड पार्टनबर होल्डिंग आउट अब ये थोड़े से डिफरेंट केसेज होते हैं जैसे हम पढ़ते हैं पार्टनमर स्टॉपल का मतलब ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जैसे कि सपोज़ ए एंड बी ये दो दोस्त हैं बी जो है वो काम करता है एक्स वाई जी कंपनी में ठीक है बी काम करता है कहाँ पर एक्स वाई जी कंपनी में अब एक्स वाई जी कंपनी को एक एम नाम की कंपनी के साथ डील करना था बी क्योंकि यहाँ पे काम करता है तो बी अपने साथ ले के चला गया ए को बोला कि चलो ऐसा करते हैं आज हमें है एक जगह डीलिंग में जाना है वहाँ तुम भी चलो हमारे साथ ठीक बी को कौन ले कर गया ए को कौन ले के गया बी और बी कहाँ काम करता था एक्स वाई जी में और एक्स वाई जी को आज किससे डील करनी है एम कंपनी से तो जब बी ए को लेके गया वहाँ पर जो भी बात हुई देन ए ने क्या बोला वहाँ पर ए क्योंकि बी के साथ गया है किसके भी हाफ पे एक्स वाई जी के भी हाफ पे, हाँ पे? किससे डीलिंग करने एम से डीलिंग करने तो होता क्या है कि जब वहाँ पर नेगोशिएशन चल रहा है जब वहाँ पर बातचीत चल रही होती है तो जो ए है जो कि इस कंपनी में काम नहीं करता वो तो सिर्फ बी का दोस्त है बट ये ए भी इक्वली पार्टिसिपेट करता है जब इन दोनों की डीलिंग हो रही होती है ए भी बी के साथ इक्वली पार्टिसिपेट करता है जब इन दोनों की डीलिंग हो रही होती है तो जो एम वाली कंपनी है इसको लगता है कि भाई ये जो ए है ये इतना बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये ए भी पार्टनर है ठीक है हालांकि ए तो पार्टनर नहीं है ए बस बी के साथ आया है इस डीलिंग में पार्टनर वो नहीं है बट क्योंकि वो पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है और इतना बोल रहा है और हर एक चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो एम कंपनी को लगता है कि अच्छा भाई तो ए भी इसी का पार्टनर है उसे ये लगता है किसी ने बोला नहीं है कि है उसे ऐसा लगा जब ऐसा लग जाता है तो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है ठीक है बोला नहीं है से सिर्फ़ एक तरीके से उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ठीक है भाई बी के साथ आया है, तो ए बी इसका पार्टनर होगा और इस वजह से जो ए है वो भी चीज़ों के लिए लाइबल हो जाता है अगर कोई लोन एम ने दे दिया एक्स वाई जी को तो बी के साथ साथ ए भी उस चीज़ का लाइबल हो जाता है और पार्टनर उसे मान लिया जाता है वो बोलता नहीं है बट उसे मान लिया जाता है कि ठीक है भाई तू आ तो होगा ठीक तो दिस इज़ पार्टनर बाय स्टॉप इसमें बोला नहीं गया बट एक रोल किया गया एक चीज़ एक्ट एक किया गया है जिससे कि उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है तो ये था पार्टनर बाय स्टॉप अब पार्टनर बाय स्टॉपल क्योंकि देखिए हमने बोला ना कि बोला नहीं है पार्टनर नहीं बना है तो इस वजह से कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता ऐसा पार्टनर अभी हम ए की बात कर रहे हैं पार्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा जब कैपिटल नहीं लगाएगा तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब कैपिटल नहीं लगाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं शेयर करेगा एंड लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड क्यों क्योंकि यहाँ पर तुमने ऐसा रोल किया कि सामने वाले को लगे कि ओके okay, तो भाई तुम भी मेम्बर हो तो इस वजह से इसको ऐसा कहा गया ठीक है देन कम्स लास्ट मन विच इज़ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ये भी थोड़ा सा अलग सा केस है अभी जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो किसी फॉर्म का पार्टनर नहीं है ठीक है किसी फॉर्म का पार्टनर नहीं है बट स्टिल उस फॉर्म को अलाउ करता है कि अगर वो फॉर्म किसी एक्स पार्टी से डील करे तो उसका नाम ले सकती है ठीक है सपोज़ मैं पार्टनर नहीं हूँ एक कंपनी है सपोज एक पार्टनरशिप है सपोज़ ए ठीक है उसकी पार्टनर मैं नहीं हूँ लेकिन मैंने बोल दिया ए से कि अच्छा ठीक है तुम जब एक्स वाई सी से डील करने जाना तो तुम मेरा नाम ले सकते हो ठीक तब ए बी सी जब गया एक्सवाई सी से डील करने तो ए बी सी ने बोला कि हाँ वो भी मेरे साथ पार्टनर है ठीक है उसने मेरा नाम एक तरीके से यूज़ कर लिया अब जब उसने मेरा नाम यूज़ किया है तो मैं भी ऑटोमेटिकली लाइबल हो गई ठीक मैंने अलाउ कर दिया कि ठीक है जाओ डीलिंग करने और मेरा नाम ले सकते हो और उसने मेरा नाम ले लिया तो उन दोनों की डीलिंग हो गई और मेरे नाम के बेसिस पर डीलिंग हुई थी जब मेरे नाम के बेसिस पर डीलिंग हुई होगी तो आटो ऑटोमेटिकली मैं भी लाइबल हो गई डेट्स को चुकाने के लिए तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई मैं क्या कर सकती हूँ मैंने सिर्फ अपना नाम दिया तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करूँगी मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करूँगी शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं होगा लेकिन मेरी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी अगर ए बी सी कोई डेट नहीं चुका पाए एक्सवाई जी को तो मेरे पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे मुझे उन डेट्स को चुकाने के लिए केस होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बहुत बार डिफरेंस आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनर बाय पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कंसेप्ट बहुत अच्छे से अच्छा एक और चीज होती है विच इज नोन एज माइनर एज अ पार्टनर माइनर हम सबको पता है क्या होता है माइनर होता है माइनर माइनर क्या होता है माइनर होता, होता है जो 18 ईयर्स से कम हो ठीक अब माइनर अ पार्टनर क्या होता है देखिए आप सबने ने अगर आ, कोई बड़े बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप सबने पढ़ा होगा लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने अगर पढ़ा है तो उसमें आ, क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि भाई अगर कोई अट्ठारह साल का बच्चा है या अठारह साल से कम उम्र का कोई शख्स है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता आपका जो एग्रीमेंट है वो इनवैलिड हो जाएगा आप किसी 18 साल से कम के साथ कोई भी डीलिंग्स नहीं कर सकते बट पार्टनरशिप के केस में क्या है हम ऐसा कर सकते हैं माइनर जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है पार्टनर बन सकता है लेकिन वो सिर्फ़ बेनिफिट्स उठाएगा म्यूचुअल कंसेंट अगर है पार्टनर्स की कि एक माइनर को लाना है तो ठीक है माइनर को लेके आ सकते हैं उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी ठीक म्यूचुअल कंसेंट से आएगा पहली चीज़ दूसरा लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी उसकी पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी देन वॉट हैपन्स उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उसी के हिसाब से लैबिलिटी होगी देन कम्स पार्टिसिपेशन में वो एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता ठीक है एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब कि मैनेजरियल स्किल्स में भी वो है हर एक चीज़ में वो है ऐसा नहीं क्योंकि वो एक माइनर है तो उतना स्किल नहीं होगा ये हमने अज्यूम किया है ठीक है और क्या चीज़ प्रॉफिट्स में ही भाग लेगा ठीक है अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी उसे पार्ट उसमें मिलना है लॉस अगर हो रहा है आपकी पार्टनरशिप को तो वो उस लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाउ है वो लेकिन अगर वो चाह रहा है करना तो उसमें वो उस चीज़ को कर भी सकता है इफ़ ही विशेष टू ठीक है उसके अलावा किस में विशेष टू लॉस में पार्टिसिपेट करना उसके अलावा अगर वो चाहता है कि वो अकाउंट्स फॉर्म के देखे तो वो देख भी सकता है लेकिन अगर वो अट्ठारह साल का बच्चा अगले साल उन्नीस साल का हो जाता है मतलब कि माइनर से किस में कन्वर्ट हो गया मेजर में तो फिर क्या होता है जितने भी फीचर्स हमने यहाँ पे पढ़े वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं और अप्लाई है कौन से हो जाते हैं बाकी वाले कि अगेन लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी ठीक है आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो अगर एक्टिव हो तो स्लीपिंग हो तो वो डिपेंड करता है कि क्या हो तो जैसे ही वो मेजर हो जाएगा तो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन रिवर्स हो जाएंगे ठीक है बच्चों तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा दैट एव अ रिव्यू दैच व्यू सॉरी आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में विच इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिव स्लीपिंग सीक्रेट नॉमल पार्टनर बाइ स्टॉप पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आई हो आप सबको समझ में आ गया होगा थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द विडियो में गॉड ब्लेस यू एंड बाय